कुरुक्षेत्र में नवीन जिंदल को बीजेपी ने उतारा है। आप ये देखो ना, बड़ी हैरानी की बात है, देश के प्रधानमंत्री ने सभी भी कहा कि कोयले में बहुत बड़ा घोटाला हुआ, 6,000 करोड़ से ज़्यादा रुपया जो है जिंदल को आ गया, जिंदल चोर है, ये बात प्रधानमंत्री ने कही, मैंने नहीं। और कल तक जिस व्यक्ति को चोर कहते थे, आज उस भारतीय जनता पार्टी ने उसे पटका पहना करके साहूकार बना दिया, कोई नूर बना दिया। ऐसी कौन सी मशीन है इनके पास जिसमें अगर किसी आदमी को डाल दो तो उसके सारे पाप। तो आप इसका मतलब है, पहले आप किसी को चोर कहते हो, ईडी भेजते हो, डराते हो, फिर उससे पैसा लेते हो और फिर उसको कहते हो जाओ चुनाव, इससे ज़्यादा बुरी हालत क्या हो। आम आदमी पार्टी के भी नेता हैं, प्रधानमंत्री किसी को चोर कर बीजेपी उसको टिकट दे, दिवालिया पिट जाएगी बीजेपी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।